सेवन स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरी मटर कैसे स्टोर करी जाए। इसके मैं आपको दो मेथड बताने वाली हूँ। पहले मेथड से आप हरी मटर को एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और दूसरे मेथड से आप इसको एक साल तक स्टोर कर सकते हैं। मटर तो लगभग सबकी फेवरेट होती है और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही हरी मटर में बी ग्रुप के विटामिन भी पाए जाते हैं। इसमें मिनरल और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होता है। हरी मटर ठंड के मौसम में मिलने वाली सब्जी है जिसे हम गर्मियों में भी बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मटर स्टोर कर नहीं रखते हैं तो ये हमें मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है जो कि हमें 2 से 3 गुना महंगी मिलती है और मटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो कंपनियाँ होती हैं वे सस्ते दरों वाली मटर को स्टोर करती हैं और वह जब स्टोर करती हैं जब मटर का सीज़न ख़त्म होने लगता है तो इससे जो मटर की क्वालिटी होती है वह भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको मटर को छील लेना है और मटर को छीलने के बाद आप इसे धो लें और मटर को धोने के बाद आप इसे एक ज़िपलॉक पॉलीथीन में रख दें और ऐसा करके आप इसे फ्रीज़र में एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़िपलॉक पॉलीथीन नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन में रख के उसके मुँह पर आप रबर लगा के भी इसको रख सकते हैं या तो आप इसे किसी एयरटाइट बॉक्स में भी रखकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये था पहला मेथड। इस मेथड से एक महीने तक मटर आराम से स्टोर की जा सकती है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ये पहले मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है और इस मेथड से आप मटर को एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर ली है, इसे मैं आप छील रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के अनुसार कितनी भी मटर ले सकते हैं और इस तरीके से हम सारी मटर छील लेंगे और बीच में कुछ ऐसी छोटे दाने वाली जो मटर होती है इन्हें हमें अलग रखना है। ये जो छोटे दाने वाली मटर होती है स्टोर करने के लिए सही नहीं होती, ये कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की मटर को हम स्टोर नहीं करेंगे, इसे आप तुरंत ही यूज़ में ले लें। छोटे दाने वाली मटर हमने अलग कर दी है और ये बड़े दाने वाली मटर हमने सारी एक साथ छील ली है और अब इस मटर को हमें धोकर उबालना है। मटर उबालने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीले में पानी ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है, यह बॉयल हो रहा है। और अब जो ये हमने मटर धो ली है इसको अब हम इसमें बॉयल होने के लिए डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से जो मटर का कलर होता है वह हरा का हरा ही रहता है, ये उबालने से इसमें पीलापन नहीं आता है और अगर मटर मीठी नहीं है तो इसमें थोड़ी सी मिठास भी आ जाती है। चीनी डालना एकदम ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मटर मीठी नहीं है तो आप चीनी डालें और अगर आपको लगता है मटर मीठी है ऑलरेडी तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मटर को हम 2 मिनट तक गर्म पानी में उबाल लेंगे। ये देखिए मटर जैसे जैसे उबलती जाएंगी ये सारी मटर ऊपर आ जाएंगी। इस मटर को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, अगर हम इसे ज़्यादा उबाल देंगे तो ये मटर फट जाएंगी और ये ज़्यादा पक जाएंगी। ये देखिए मटर को उबालते हुए लगभग हमें 2 मिनट हो चुका है। अब हम एक छन्नी की हेल्प से मटर को निकालेंगे। मटर को रखने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें पानी हमने ठंडा एकदम चिल्ड पानी लिया है और थोड़ी सी बर्फ़ की आइस क्यूब डाल दी है और मटर को अब हम इस छन्नी से निकाल कर डायरेक्टली इस बाउल में डाल देंगे। अब इस चिल्ड वाटर में हम 4 से 5 मिनट तक के लिए हरी मटर को इसी तरीके से छोड़ देंगे। ये देखिए मटर को हमें रखे हुए 5 मिनट हो चुका है और जो ये मटर है ये ठंडी हो चुकी है, इसको हमने एकदम गरम गरम ही इस पानी में डाल दिया था। और अब हम एक छन्ने की हेल्प से इस मटर को इस पानी से निकाल लेंगे। किचन टावल या फिर कॉटन क्लॉथ पे फैला देंगे ताकि जो इस मटर में एक्सेस पानी है वह हट जाए और इसी तरीके से हम मटर को इस पे फैलाकर 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने मटर को 2 मिनट तक इस पर फैला लिया, इसका जो एक्सेस पानी है वह हट गया है। अब इस मटर को हम एक ज़िपलॉक पैकेट में डालेंगे और इस पैकेट में जो भी एयर है उसे हमें पिचका के हटा देना है, मीन्स दबा कर निकाल देना है।
और ऊपर से जो इसका जिप है उसको हमें बंद कर देना है। ये देखिए हमारी हरी मटर 1 साल तक स्टोर करने के लिए तैयार है। अब आप इस मटर के पैकेट को फ्रीज़र में रख दें और इसे 1 साल तक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मटर को प्रिजर्व करना बहुत ही आसान है, पर आप इनको प्रिजर्व करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। इन मटर को स्टोर करने के लिए आप जब पैकेट बनाएं तो उन्हें थोड़ा छोटा ही बनाएं। एक पैकेट में आप उतना ही मटर रखें जितना कि आपको एक बार में यूज़ करना हो। आप मटर ठंडा करने के लिए एकदम फ्रिज का ठंडा पानी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी में बर्फ़ डालकर उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मटर की तरह ही आप गाजर, ब्रोकली, बीन्स वगैरह भी स्टोर कर रख सकते हैं। मटर को स्टोर या प्रिजर्व करते वक्त आप अच्छी क्वालिटी की मटर को ही स्टोर करें, वह ज़्यादा समय तक स्टोर रहती है। तो अभी सर्दियों का सीज़न है और मटर बहुत सस्ती आ रही है, तो आप भी इन मटर को स्टोर करें। वैसे तो मार्केट से भी फ्रीज करी हुई मटर मिल जाती है, लेकिन वह काफ़ी महंगी पड़ती है। तो आप भी मटर को अपने घर में स्टोर करिए, आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। और इस तरीके से मटर हमेशा घर में अवेलेबल रहेगी। जब भी आपका मन करे आप मटर की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं, मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।